गाइस अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी लव शेलिन। और बहुत सारे जनों ने मुझे कमेंट करके बोला था कि आप अपना रियल नेम यूट्यूब वीडियो पे बोलो, तो ठीक है, आई एम रुक्सिया फ्रॉम हैदराबाद, लव फ्रॉम हैदराबाद। सो यस, मैं हैदराबाद की हूँ। फिर नेक्स्ट टाइम फिर मुझे कोई भी पूछो मत कि मैं कहाँ से हूँ, कहाँ से हो, तो आई एम फ्रॉम हैदराबाद। एंड फ्रेंड्स, आज थोड़ा वीडियो अलग है क्योंकि मैं ऐसा फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, फर्स्ट टाइम ऐसा इंट्रोडक्शन भी दे रही हूँ उस चीज़ के लिए। तो मैं रिएक्शन वीडियो बना रही हूँ आज के लिए, क्योंकि ये वाली मूवी जो है ना, बहुत सारे जने मुझे रिकमेंड कर रहे थे और तरफ स्पेशली मेरे फ्रेंड्स और एक कजन की तरफ से रिकमेंड हुई थी मूवी। तो मैंने बोला कि हाँ ठीक है देखेंगे, हाँ ठीक है देखेंगे। बट आज फाइनली मैंने सोचा कि जब मैं ये मूवी देख रही हूँ तो आपके सामने देखूँ। बट मूवी देखने के लिए आपको 3 आवर्स लग जाएगा और वीडियो 3 आवर्स की नहीं हो सकती। तो मैंने क्या किया, मैंने यूट्यूब पे एक्सप्लेन इन हिंदी, ये हॉलीवुड मूवी है नॉट बॉलीवुड, तो मैंने क्या किया, एक्सप्लेन इन हिंदी वाला पेज मारा, तो मुझे इनका मिला पेज जिसका नाम है क्रीपी कंटेंट हिंदी, जो बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। मैं उनके दूसरे मूवीज भी देखी हूँ एक्सप्लेन इन हिंदी वाले, कर सकते हो, ये स्पॉन्सर भी नहीं है। बट लॉकडाउन है यार, गेटिंग बोर, मुझे पता है सब बोर हो रहे होंगे मूवीज के लिए, 3 आवर्स कितने बार देखेंगे। और हॉलीवुड तो अपने सर पे से जाती है, तो इंग्लिश के लिए तो अपन छोड़ देते हैं, तो उससे बेटर है कि आप हिंदी एक्सप्लेन इन हिंदी देख सकते हो। और वो ये चैनल बेस्ट है आपके लिए, आप हिंदी में देख सकते हो, स्पॉन्सर तो नहीं है। अगर आप क्रीपी कंटेंट पर्सन आप देख रहे हो तो प्लीज मेरे पेज को प्रमोट कर दीजिए, थैंक यू वेरी मच। सो मैं मूवी स्टार्ट करती हूँ। ये मूवी का नाम है गर्ल इन द बेसमेंट। ओ माई गॉड, इसका मैंने ट्रेलर देखा है और ये ट्रू बेस्ड स्टोरी है, नॉट ऐसी वाली स्टोरी नहीं है, ट्रू बेस्ड स्टोरी है। अगर आपको इसकी रियल स्टोरी भी सुनना है तो कमेंट करिए, मैं आपकी रिव्यू चाहते हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट करिए, मैं रियल स्टोरी का भी वीडियो बनाऊंगी। तो हम मूवी स्टार्ट करते हैं, वेट नहीं करते, मैं मूवी यहाँ या समथिंग कहीं भी प्ले करूंगी आप लोगों के सामने और आपको मेरा रिव्यू भी दूंगी। थोड़ा ये मूवी ये मूवी बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी है, बट प्लीज ज्यादा दिल पे मत ले लेना, ज्यादा सोच लेना नहीं, बस एज एंटरटेनमेंट देख के अलर्ट रहना बस, ओके। सो लेट्स स्टार्ट द मूवी। स्टार्टिंग में तो मेरे पास लैपटॉप नहीं है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो गाइस, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, बहुत मेहनत लग रही है गाइस, सच में एक के बाद तो डिमोटिवेट भी हो जा रही हूँ कि सब्सक्राइबर्स नहीं आ रहे, लाइक्स नहीं आ रहे, व्यूज उतने नहीं आ रहे, जितनी मैं मेहनत कर रही हूँ उससे कम व्यूज आ रहे, तो मुझे बहुत ज्यादा डिमोटिवेशन हो जा रही है गाइस। आप लोग प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मेरे पास लैपटॉप नहीं है तो मैं अपने फोन में प्ले करूंगी और इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करूंगी, ठीक है ना गाइस। चलो लेट्स स्टार्ट द मूवी। तो मूवी के हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रशांत सागर है और क्रीपी कंटेंट हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 2021 में आई एक क्राइम थ्रिलर मूवी गर्ल इन द बेसमेंट के बारे में, जिसे एलिजाबेथ ड्रोम ने डायरेक्ट किया है। आईएमडी पर इसको मिले हैं 6.2 out of 10, लेकिन इसकी रेटिंग अभी फ्लक्चुएट हो रही है क्योंकि ये मूवी अभी काफी नई है। ये मूवी मुझे काफी पसंद आई क्योंकि सबसे पहली बात तो ये सच्ची घटना पर आधारित है और दूसरा इसका एनवायरमेंट और कहानी वाकई काफी अच्छी है। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, मेरी लास्ट वीडियो को आप देखना ना भूले, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं नए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए अब बिना वक्त गवाए अब चलते हैं इसकी स्टोरी की तरफ। ये कहानी है सारा नामक लड़की की, जो 17 साल की होती है और कुछ ही दिनों में वो 18 साल की होने वाली है और वो सबके साथ खुश रहती थी सिवाय अपने डैड के। एक रात सारा को एक पार्टी में जाना होता है तो उसके डैड, जिसका नाम डॉन होता है, वो उसे अलाउ नहीं करते और इस बात पर सारा अपनी मॉम नीनी को कहती है कि मॉम आपने मुझे अलाउ करा था, लेकिन उसकी मॉम उसके डैड से डर कर कह देती है कि कोई बात नहीं आज मत जाओ। और तभी सारा इस बात पर आर्गुमेंट करने लगती है तो डॉन उसे डांट कर उसके रूम में भेज देता है और वहाँ उसकी बड़ी बहन एमी भी बैठी होती है और वो कभी कभी घर आया करती थी क्योंकि वो आउट ऑफ स्टेशन जॉब करती थी। फिर तभी सारा चोरी छुपे अपने बॉयफ्रेंड क्रिस के साथ उस पार्टी में चली जाती है
और इन्हीं सारा से बात करने जाती है, लेकिन वो उसे वहाँ नहीं मिलती। और ये देखकर डॉन को काफ़ी गुस्सा आता है और वो उसका वेट करने लग जाता है। दूसरी तरफ सारा क्रिस के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही होती है और वह उसे एक सॉन्ग सुनाता है। और अगली सुबह सारा अपने घर वापस आती है तो डॉन उसे डांटता है, लेकिन तभी रीनी वहां आ जाती है तो सारा खुद को डॉन से छुड़ाकर अपने बेडरूम में चली जाती है। फिर सारा से मिलने एमी आती है और वह उससे पार्टी के बारे में पूछती है और रीनी भी उनके साथ वहां आकर बैठ जाती है और वह तीनों बातें करने लग जाते हैं। और सारा उनसे कहती है कि जब वो 18 की हो जाएगी तो वो फ्लोरिडा चली जाएगी और वहाँ वो जॉब करके अपनी आराम से लाइफ जिएगी। और यह बात डॉन सुन लेता है और तभी वो बेसमेंट में जाकर एक सीक्रेट रूम को खोल देता है जो बुक शेल्फ के पीछे था। फिर डॉन 3 महीने का वेट करता है क्योंकि सारा की ग्रेजुएशन होनी बाकी थी। और 3 महीने बाद सारा क्रिस से बात कर रही होती है और एमली अपनी जॉब के लिए वापस चली जाती है। तभी रीनी सारा को कहती है कि वो मार्केट जा रही है, क्या तुम साथ चलोगी, लेकिन सारा उसे मना कर देती है। और रीनी के जाने के बाद डॉन सारा को बुलाता है और वो उसे कहता है कि इस बॉक्स को बेसमेंट में पहुंचाना है। और वो दोनों उस बॉक्स को बेसमेंट में ले जाते हैं और तभी डॉन उस सीक्रेट रूम को खोल देता है। और सारा को वो रूम देखकर अजीब लगता है कि यहाँ कोई रूम भी था। और तभी डॉन और सारा उस सीक्रेट रूम में चले जाते हैं और डॉन उसे बताता है कि ये वो रूम है जब वर्ल्ड वॉर के समय लोग छुपा करते थे। और तभी वो सारा को ट्रिक करके रूम के बाहर चला जाता है और फिर सारा डेड डेड चिल्लाने लगती है। फिर सारा काफी डरने लगती है और वो गेट खोलने के लिए पिन डालने लगती है, लेकिन अगर 3 अटेम्प्ट फेल हो जाए तो उस रूम की लाइट चली जाती है और उसके साथ वेंटिलेशन भी बंद हो जाता है, जिससे सारा को सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। उस बॉक्स में सारा की जरूरत की चीजें होती है, जैसे कुछ कपड़े, ब्लैंकेट, टिश्यू पेपर, टॉर्च इत्यादि। और रूम में एक सिंक, लाइट और एक वेंटिलेशन ग्रिल होता है। फिर सारा उस वेंटिलेशन ग्रिल में से मदद पुकारने लगती है और डॉन नोटिस करता है कि सारा की आवाज उसके थ्रू आ रही है, इसलिए वो उसके ऊपर एक ब्लैंकेट डाल देता है। और अब सारा की आवाज बिल्कुल नहीं आती और ऊपर से वो रूम भी साउंड प्रूफ होता है। और उसी रात रीनी सारा की चिंता करने लगती है कि वो कहाँ चली गई। और रीना ने उसके सभी फ्रेंड से पता किया था, लेकिन वो सभी उसके बारे में नहीं जानते। और वहाँ डॉन आराम से बैठा होता है। फिर दूसरे दिन सारा पिन डालकर दरवाजा खोलने की कोशिश करती है और 3 अटेम्प्ट फेल होने के बाद लाइट चली जाती है, लेकिन थोड़ी देर में आ भी जाती है। और वो अपने टॉयलेट को एक बकेट में किया करती थी क्योंकि वहाँ टॉयलेट नहीं था। फिर 4 दिन बाद डॉन सारा के पास आता है और सारा उसको थक्कर देकर रूम के बाहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन उस दरवाजे के बाहर भी एक और दरवाजा होता है और वो भी पिन से खुलता था। फिर डॉन सारा के बाल खींच कर रूम में लेकर आता है और वो उसे कहता है कि तुमको मैं सब चीजें दूंगा और तुमको आजाद भी कर दूंगा अगर तुम मेरे साथ अच्छे से रहोगी। लेकिन सारा उसकी बात नहीं सुनती तो वो गुस्से में सारा का रेप कर देता है। और हम देखते हैं कि सारा को अब बार बार वॉमिटिंग हो रही है। फिर एक हफ्ता बीत जाता है और रीनी सारा की मिसिंग रिपोर्ट लिखा देती है और पुलिस को डॉन बताता है कि वो यहाँ से जाना चाहती थी और कहीं जॉब करके अपनी जिंदगी जीना चाहती थी। लेकिन रीनी ऑफिसर को बताती है कि वो बस एक ड्रीमर थी और वो बस ऐसा सोचती थी, लेकिन उसने कभी कुछ नहीं किया। तो ऑफिसर उन्हें कहता है कि ऐसी सिचुएशन में हमें सारा को टाइम देना चाहिए, क्या पता वो वापस आ जाए और या फिर वो तुमको कॉल करे। इसलिए वो बस उन्हें वेट करने को कहता है क्योंकि ये मामला बस फीलिंग का था। और दूसरी तरफ सारा काफी परेशान होती है और वो क्रिस को काफी मिस करती है। फिर क्रिस भी सारा के घर आता है ताकि वो सारा के बारे में पता लगा सके, लेकिन डॉन उसे फेक बता देता है कि वो स्टीव नामक लड़के के साथ भाग गई है जो उसके बचपन का दोस्त था और वो दोनों एक दूसरे को काफी पसंद करते थे। और ये बात सुनकर क्रिस दुखी होकर वहां से चला जाता है। फिर 3 हफ्ते बीत जाते हैं और डॉन सारा के लिए केक लेकर आता है क्योंकि आज उसका बर्थडे था और वो अब 18 की हो जाती है। और डॉन उसे कैंडल बुझाने को कहता है और सारा कैंडल्स इसलिए बुझा देती है क्योंकि डॉन ने कहा था कि अगर वो उसके साथ ठीक से रहेगी तो वो उसे आजाद कर देगा। तभी वो सारा को एक लॉन्जरी गिफ्ट करता है और वो उसे पहनने को कहता है और सारा उसे पहन भी लेती है। और तभी डॉन उसे कहता है कि कोई विश मांगो, तो वो उसे कहती है कि उसे बाहर जाने दो। और इस पर डॉन उसे कहता है कि इसे होने में अभी टाइम लगेगा। फिर सारा उससे एक टीवी और एक क्लॉक मांगती है क्योंकि उसको बिना टाइम के पता ही नहीं चल रहा था कि दिन हो रही है या रात। और फिर डॉन उसे क्लॉक दे देता है, लेकिन उससे पहले वो सारा को यूज भी करता है। फिर 37 दिन बीत जाते हैं और सारा फूड कैन में नोटिस करती है कि वो धारीली है। और फिर वो डॉन को इंटीमेट होने को बुलाती है और तभी वो उस पर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन डॉन समझ चुका था कि उसने कुछ छुपाया हुआ है, इसलिए वो सारा की रिस्ट तोड़ देता है और उसे काफी मारता है। फिर ऑलमोस्ट 1 साल होने वाला होता है और हम देखते हैं कि सारा प्रेग्नेंट हो चुकी है
और हम ये भी देखते हैं कि डॉन ने सारा के लिए खाना बनाने का चार इंतजाम भी कर साल दिया तक है, उसकी और तभी फैमिली सारा को को क्या दर्द मालूम होने नहीं लगता है होता। और वो वहाँ एक बेबी गर्ल को जन्म दे देती है जिसका नाम वो मैरी रखती है। फिर डॉन देखता है कि उसको एक बेबी हो गया है जिससे वो ज्यादा खुश नहीं होता, और ऐसे ही चलते चलते 4 साल बीत जाते हैं और इन्हीं सारा की याद में काफी दुखी होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सारा फिर से प्रेग्नेंट है और वो डॉन के साथ एज अ वाइफ ही रहने लग गई है, और डॉन सारा को बताता है कि आज उसका प्रमोशन हुआ है, और फिर डॉन अपनी एक्चुअल फैमिली के पास जाकर बैठ जाता है। तो रीनी उसे कहती है कि आज तुम्हारा प्रमोशन हुआ है तो हम एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हायर कर लेते हैं सारा को ढूंढने के लिए, लेकिन इस बात पर डॉन भड़क जाता है और वो रीनी को कहता है कि हम पे ऑलरेडी एक डॉटर है, और वो गुस्से में वहां से चला जाता है। फिर डॉन उनके लिए एक टीवी ले आता है और वो उसे देखकर काफी खुश होते हैं क्योंकि उनके लिए तो ये भी काफी बड़ी खुशी है जो इतने समय से एक ही रूम में कैद है। फिर ऐसे ही समय बीतता है और सारा को एक बेबी बॉय हो जाता है जिसे वो माइक पुकारती है, और उस वक्त मैरी को काफी फीवर हो जाता है और डॉन उसके लिए एडल्ट की दवाई ले आता है जिसे सारा नहीं देना चाहती, लेकिन वो उसे कहता है कि तुम माँ हो इसे तुम ही हैंडल करो, और इस बात पर सारा को काफी गुस्सा आता है। फिर मैरी को सारा एक कहानी सुनाती है और वो उसमें उसे बताती है कि एक रानी होती थी जिसे एक राजा से काफी प्यार था, लेकिन रानी के बाप ने उसके विंग्स काट दिए और उसे एक गुफा में हमेशा के लिए कैद कर दिया। फिर समय और बीतता है और क्रिस सारा के घर दोबारा विजिट करता है और वहाँ उसे एमी मिलती है और वो सारा के बारे में पूछता है, और फिर बातों बातों में क्रिस एमी को स्टीव के बारे में बता देता है कि वो तो अपने फ्रेंड के साथ भाग गई है, और क्रिस उसे ये बताता है कि ये बात तुम्हारे डैड ने मुझसे की थी, और इस बात से एमी थोड़ा शॉक हो जाती है और वो उसे कहती है कि उसे कभी कभी लगता है कि उसके डैड ने उसे छुपा दिया है, लेकिन उसको ये भी लगता है कि वो कहीं अपनी जिंदगी जी रही होगी। दूसरी तरफ हम मैरी को देखते हैं जो सारा से बाहर जाने की जिद करती है कि उसे जू देखना है और उसे पार्क देखना अरे है, फिर से लेकिन सारा प्रेग्नेंट, ओ उन्हें माय वहां से नहीं ले गॉड, जा सकती, इसलिए वो उनके साथ वहीं खेल सीरियसली। लेती है और सारा फिर से प्रेग्नेंट होती है। फिर डॉन से रीनी काफी लड़ती है क्योंकि एमी ने उन्हें स्टीव की कहानी के बारे में बता दिया था, और इस बात पर रीनी डॉन के ऊपर काफी भड़कती है, और तभी एमी भी बोलने लगती है कि आप उसे हमेशा डांटते थे और हमेशा उसे घर में कैद रखते थे, और इस बात पर डॉन को भी गुस्सा आ जाता है और उसे बेसमेंट की कीज गिर जाती है, और तभी डॉन रीनी को संभालने चला जाता है और एमी उन कीज को उठाकर बेसमेंट में चली जाती है, और वहां वो काफी सारा सामान देखती है जैसे टॉयलेट पेपर, डायपर्स इत्यादि, और ये देखकर एमी सोच में पड़ जाती है कि यहाँ इतना सामान क्यों है, और वो बुक शेल्फ को चेक करने लग जाती है, लेकिन तभी वहां डॉन आ जाता है और वो एमी को डांट कर वहां से बाहर भेज देता है। दूसरी तरफ सारा को फिर से दर्द होता है और वो एक न्यू बेबी बॉय को जन्म दे देती है जिसे वो थॉमस पुकारती है। फिर डॉन अपने बेबी को देखने सारा के पास आता है और सारा डॉन से रिक्वेस्ट करती है कि वो इस बेबी को रीनी के पास ले जाए ताकि इसकी ठीक से परवरिश हो, और इस वजह से डॉन एक प्लान बनाता है और वो सारा के न्यू बेबी को घर के बाहर छोड़ देता है जहाँ रीनी उसे देखने आती है, और उसमें एक चिट्ठी होती है जिसमें सारा का लेटर होता है, और वो उसमें लिखती है कि डियर मॉम, ये मेरा बेटा है लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम इस बेबी को पाल सके, इसलिए इसको मैं आपके पास छोड़ के जा रही हूँ, और ये देखकर रीनी काफी दुखी होती है और वो थॉमस को घर में ले जाती है। तभी डॉन देखते हैं और मैरी और माइक थोड़े बड़े हो जाते हैं, और तभी सारा देखती है कि डॉन मैरी को बुरी नजरों से देख रहा है और उसे अरे उसकी क्या नीयत है, का पता चल जाता कौन है सा आदमी जिससे वो है डॉन ये, को वहां से जाने को इसको कहती लाइक है, और लाइट ना होने जोर के से। कारण वेंटिलेशन नहीं अब चलता। मुझे आगे की स्टोरी देखने भी थोड़ा सा सोचना लग रहा है, क्योंकि यार ऐसा कैसे एक फादर अपनी बेटी का रेप कैसे कर सकता है यार। हाँ, क्या बोलते हो उसे, हथौड़े से। हाँ, हथौड़े से ऐसा मानना चाहिए जब जाके उसको अकल आती है। लाइक उसकी लाइक ग्रैंड ग्रैंड डॉटर, उसकी लाइक ग्रैंड डॉटर को भी वैसा देख रहा है, और ऊपर से ग्रैंड डॉटर नहीं है उसकी, वो उसकी खुद की बेटी है। कंफ्यूजिंग इसलिए मैरी को अस्थमा की प्रॉब्लम हो जाती है और वो वेंटिलेशन ग्रिल के आगे बैठकर काफी रोती है कि उसके कोई दोस्त नहीं है और उसको यहाँ से बाहर निकलना है, और उसकी हालत सारा समझ रही होती है, और दूसरी तरफ रीनी थॉमस को काफी अच्छे से पाल रही थी। फिर एक दिन काफी बारिश होती है और पानी सारा के पास गिरने लगता है, और वो नोटिस करती है कि छत पर एक कच्चा पार्ट है जिसे वो कुरतने लग जाती है, और कुरतते कुरतते उसे रात हो जाती है, और उसके बाद वो वहां टॉर्च मारती है ताकि कोई उसे बाहर से देख ले, और तभी उस लाइट को एक आदमी देख लेता है, लेकिन वो गलती ये कर देता है कि वो डॉन को बता देता है कि उसके बेसमेंट से लाइट बाहर आ रही है।
फिर तभी गुस्से में डॉन सारा के पास आता है और उसे काफी मारता है, जिससे उसके पेट में चोट लग जाती है। और तभी मैरी और माइक डर जाते हैं और वो डॉन को रोक देते हैं, और इस चोट की वजह से सारा का न्यू बेबी मर जाता है, जिससे मैरी को भी काफी दुख होता है और डॉन उस बेबी को दफना आता है। फिर डॉन सारा के पास आता है और सारा उसे थॉमस के बारे में पूछती है, तो डॉन उसे बताता है कि वो मस्त है और वो अगले महीने एक बेसबॉल टूर्नामेंट खेलने वाला है। और तभी माइक डॉन को कहता है कि उसे भी खेलना है और वो उसे कब बाहर जाने देगा। और तभी डॉन उन्हें कहता है कि जब तुम्हारी मॉम मुझसे सही से बिहेव करेगी तब तुम बाहर जाओगे। और तभी सारा डॉन को कहती है कि उसने ऐसा पूछा, उसके लिए सॉरी, और फिर डॉन वहां से चला जाता है। फिर माइक और मैरी दोनों ही इस बात पर सारा पर चिल्लाते हैं कि आपने उन्हें सॉरी क्यों बोला, हमने उनसे क्या गलत पूछा, और वो बाहर जाने को जिद करने लगते हैं। लेकिन सारा उन्हें कहती है कि मैं बस तुम लोगों को प्रोटेक्ट कर रही हूँ, लेकिन वो फिर भी सारा की बात नहीं सुनते। और इस बात पर सारा को काफी गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ का सारा सामान फेंक देती है और लेट के क्रिस को याद करने लग जाती है, क्योंकि उसने यही खुशी का समय लास्ट टाइम बिताया था। और तभी मैरी और माइक को बुरा लगता है कि उनके वजह से उनकी मॉम परेशान हो गई, इसलिए वो सब सामान अपनी जगह रख कर सारा को सॉरी बोल देते हैं। फिर सारा उन्हें सब सच बता देती है जो भी डॉन ने उसके साथ किया, और उससे उन लोगों को काफी दुख होता है और वो काफी घबरा भी जाते हैं, जिससे मैरी को एक अस्थमा अटैक फिर से आता है। और सारा उन्हें कहती है कि वो उनसे बहुत प्यार करती है। फिर डॉन सारा को आकर डांटता है और तभी माइक को गुस्सा आ जाता है, तो वो उस पर हाथ उठाता है और तभी डॉन वहां से चला जाता है और वो बेसमेंट की लाइट बाहर से बंद कर देता है। फिर और समय बीतता है और डॉन की जॉब चली जाती है और उसका पूरा पैसा सारा और उन सभी को पालने में जा रहा था। और रीनी उससे पूछती है कि तुम्हारे पैसे कहाँ जा रहे हैं, और दूसरी तरफ वेंटिलेशन के लिए सारा उस जाली को तोड़ देती है। फिर डॉन को घर खाली करने का लीगल नोटिस आ जाता है, क्योंकि वो घर की EMI नहीं पे कर पा रहा था। अब डॉन चीजें हैंडल नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो उन सभी को मार देगा। इसलिए वो एक पाइप को उनके वेंटिलेशन में डाल देता है और अपनी कार के स्मोक से उन्हें मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां थॉमस आ जाता है, जिससे डॉन को अपनी कार बंद करनी पड़ जाती है। अब 20 साल पूरे हो जाते हैं और मैरी को एक काफी बूरा अस्थमा अटैक आता है, क्योंकि उस चू ने घर के बाहर ग्रिल जलाया हुआ था और वो तीनों बेसमेंट में मैरी का ख्याल रख रहे होते हैं। फिर उस रात डॉन उनके पास आता है और सारा उससे काफी रिक्वेस्ट करती है कि उसे डॉक्टर की जरूरत है और उसे हॉस्पिटल ले जाना होगा, लेकिन पहले तो डॉन नहीं मानता, लेकिन सारा उसे रिक्वेस्ट किए जा रही होती है। और डॉन को भी लगने लगता है कि मैरी को हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, इसलिए वह उसे हॉस्पिटल ले जाने को मान जाता है, लेकिन माइक को डॉन वहीं रुकने को कहता है। फिर जैसे ही सारा बेसमेंट से बाहर आती है तो उसे अपना घर देखकर सारी मेमोरीज फ्लैश हो जाती हैं, और फिर डॉन उन्हें हॉस्पिटल पहुंचा देता है, जिसे डॉक्टर मैरी को काफी मुश्किल से बचा पाते हैं, लेकिन वो उसे बचा लेते हैं। फिर तभी वहां उनके पास एक नर्स आती है और वो उन्हें एक फॉर्म फिल करने को कहती है, और सारा को बाहर आकर काफी अच्छा लग रहा होता है। और तभी उससे उस फॉर्म पर पानी गिर जाता है, जिससे डॉन एक नया फॉर्म लेने चला जाता है। और तभी मौका देखकर सारा उस नर्स के पास जाने लगती है और उसके पीछे डॉन भी आने लगता है, लेकिन समय रहते वो नर्स से गले लग जाती है और वो उसे कहती है कि हेल्प मी। और खुश नसीबी से वहां एक ऑफिसर भी होता है जो डॉन को पकड़ लेता है। फिर सारा की मदद से सबको डॉन की सच्चाई के बारे में पता चल जाता है और बेसमेंट से माइक को बाहर निकाला जाता है, जिससे रीनी काफी शौक हो जाती है और डॉन को जेल भेज दिया जाता है। फिर कुछ समय बाद तीनों भाई बहन मिलकर साथ खेलते हैं और सारा अपनी मॉम और अपनी सिस के साथ बाहर बैठी होती है, और तभी वहां क्रिस आता है और उसने अभी तक शादी नहीं की होती, और उससे मिलकर सारा को बहुत अच्छा लगता है। और फिर क्रिस सारा को घुमाने ले जाता है और बस यहाँ ये मूवी खत्म हो जाती है। ये मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित है, जिसमें एलिजाबेथ शॉक में तब हुई इसकी रियल स्टोरी देख के, सच बोल रही हूँ, इसकी रियल स्टोरी देख के मैं बहुत शॉक हुई थी। एक्चुअली मैं इसकी पहले रियल स्टोरी देखी थी, मूवी नहीं देखी थी, तो रियल स्टोरी देख के मैं इतना ज्यादा शॉक हो गई, मेरे को लाइक बहुत ज्यादा अफसोस हुआ कि यार ऐसा भी होता है क्या बोलकर। हाँ, ऐसे भी लोग होते हैं दुनिया में। वॉट एवर गाइस, ये था मेरा फर्स्ट रिएक्शन मूवी द गर्ल इन द बेसमेंट। अगर आपको और ज्यादा रिएक्शन वीडियोस देखना है मूवीज के रिलेटेड, क्योंकि बोर तो सब हो रहे हैं, आई नो दैट, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है स्पेशली, तो हर जगह लॉकडाउन चल रहा है, तेलंगाना में तो बहुत ज्यादा चल रहा है, तेलंगाना में तो और ज्यादा चल रहा है लॉकडाउन, एक्सटेंड पे एक्सटेंड होते जा रहा है। तो गाइस, अगर आप चाहते हो कि मैं और कुछ रिएक्शन वीडियोज बनाऊ कॉमेडी के रिलेटेड,
कॉमेडी के रिलेटेड, मूवीज के रिलेटेड, और इसमें हॉरर मूवीज भी बहुत ज्यादा है, तो हॉरर मूवीज के रिलेटेड समथिंग किसी के भी रिलेटेड आप चाहते हो, रिलेटेड मूवीज चाहते हो रिएक्शन पे, तो आप प्लीज मुझे कमेंट करिए और मुझे बताइए, और ये वाली मूवी आपको कैसे लगी वो भी कमेंट करिए। ये मेरा इंस्टाग्राम होल्डर है, आप वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो, और प्लीज़ मुझे बताइए कि आपको ये मूवी कैसी लगी फ्रेंड। यस, तो आप भी अपनी रेटिंग बताइए कमेंट करके और बोलिए कि आपको मूवी कैसी लगी मुझे। सो दैट्स इट फॉर टुडे वीडियोस गाइस, एंड आई एम ग्लैड कि मैं ये रिएक्शन वीडियो, आई एम ग्लैड अगर आप लोग इसे लाइक करोगे, आप शेयर करोगे और मुझे ऐसे वीडियोस बनाने के लिए बोलोगे तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए गाइस, आई नीड योर सपोर्ट। ख्याल रखिए, घर में रहिए, सेफ रहिए, और प्लीज़ अपने लव वंस के साथ टाइम गुजारिए। दैट्स इट, सो बाय बाय, लव यू गाइस।